आज का प्रातः क्लास है 19/6/1966 रविवार को रिकॉर्ड चला था जाग सजनिया जाग नवयुग आया मीठे मीठे रूहों ने बरुआनी बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना इसको कहा ही जाता है ज्ञान का गीत क्या गीत है जागना कब होता है जब रात बीत जाती है और सवेरा आ जाता है तो सतयुग रूपी सवेरा आने वाला है जिस जिस गीत में कुछ न कुछ ज्ञान का जरा भी है तो उसको ही उठा करके समझाया जाता है और ये गीत बच्चे रोज सुनते हैं भले किसके घर में ग्रामोफोन नहीं है पर ये गीत बहुत अच्छा है क्योंकि इस गीत में है ही कि बच्चे अभी जागो अभी अज्ञान नींद में सोने का टाइम नहीं है और अभी तुम तो जाग ही गए हो आत्मा जाग गई है सभी ने समझा जो बीता वो अज्ञान रात थी तुम आए कहां से हो मूल वतन से मूल वतन से अपन यहां आए हैं और कहां आए हैं भक्ति मार्ग में आए हैं किसने बोला कि मूल वतन से अपन यहां आए हैं शिव बाबा ने बोला कहां आए भक्ति मार्ग में आए क्योंकि भक्ति मार्ग को तो तुमने अच्छी तरह से देखा है और अच्छी तरह से भक्ति मार्ग में विचरण किया है तो जो बीता वो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है क्या बीता तुमने अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी 84 जन्म की बीती हुई कहानी जानी अभी तुम बच्चों को ये मालूम हुआ है कि बाप ने आकर के हमको 84 जन्म की कहानी सुनाई और फिर ये समझाया कि अभी नई दुनिया आई कि आई नई बातें आई अभी तुम नई बातें सुनते हो ना
किसके द्वारा सुनते हो? बाप द्वारा सुनते हो, बाप द्वारा समझाया जाता है। बाप तसल्ली देते हैं, धीरज देते हैं कि बच्चे अभी नई दुनिया में चलने के लिए सब नई बातें हैं। भक्ति मार्ग की कोई भी पुरानी बातें नहीं है। पुरानी बातें जो भक्ति मार्ग की हैं, वेद शास्त्र, ये सभी बातें अब खत्म हो गई। तुम बच्चों ने सुना कि सतयुग से लेकर द्वापर तक कोई भी भक्ति मार्ग का रिंचक चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल ही चेंज नहीं हुए, क्योंकि वहां तो भक्ति का फल मिला हुआ है। जानते हो कि बाप आकर के भक्तों को फल देते हैं। काय का फल देते हैं? भक्ति का फल देते हैं। तो अभी तुम बच्चों ने जाना कि फल क्या मिलता है। भगवान आकर के भक्तों को भक्ति का क्या फल देते हैं? तुम अपने से बोलो कि हम जीवात्माओं को अभी बाप कैसे भक्ति के बाद फल देते हैं? कैसे देते हैं? जिसने जास्ती भक्ति की है उसको जास्ती ज्ञान मिल जाता है, और जिसने कम भक्ति की है तो कम ज्ञान मिलता है। अभिविचारी भक्ति की है तो अभिविचारी ज्ञान मिलता है। एक से ही सुनेंगे, अनेकों से नहीं सुनेंगे। तो जिसने जास्ती भक्ति की है, अभिविचारी भक्ति की है, जरूर उनको फल जास्ती मिलेगा। माना जिसने जास्ती भक्ति की है वो ज्ञान का पुरुषार्थ भी जास्ती करेगा। हम आत्माओं ने जितनी जास्ती भक्ति की है द्वापर से लेकर के कलयुग तक, शुरू से भक्ति जास्ती की है, वो जोर से फिर ज्ञान में जाग जाएगा। क्योंकि ज्ञान में जोर से जागेंगे तब देखो तुमको ये पद मिलता है। कौन सा? इशारा किया लक्ष्मी नारायण की तरफ। अभी ज्ञान और योग दोनों के लिए है ये सभी पुरुषार्थ तुम्हारा। अच्छा, देहाभिमानी भी हो करके रहना है, काम धाम तो करना है ना। और फिर देही अभिमानी भी हो करके रहना है। क्यों? दोनों क्यों है? देह में रहेंगे तो कर्म करेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो बाप की याद जास्ती आएगी, क्योंकि बाप समझाते हैं कि कर्म करते और फिर बाप को याद करना है। तो देह अभिमान के बिगर कर्म तो तुम नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कर्म करने के लिए पांच तत्वों का आधार लेना जरूरी है इस शरीर का। बाप तो अकर्ता है, वो तो कोई कर्म करता नहीं, ना अच्छा ना बुरा। कौन सा बाप? क्योंकि बेहद के दो बाप हैं, एक मनुष्यों का बाप और एक आत्माओं का बाप। मनुष्यों का बाप वो तो जन्म 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 भाई जन्म कर्म करता ही है, परंतु आत्माओं का बाप तो अकर्ता है। किस लिए? क्योंकि उसको देह अभिमान है ही नहीं। अभी ये तो ठीक है कि हमको बाबा को याद करना है, परंतु बाप कहते हैं कि देह अभिमान बिगर अगर हम सिर्फ अपन को आत्मा समझें और बाप को याद करें, देह को भुलाने जाएं, तो हमारे से कुछ काम नहीं होगा। बस बड़ा मजा आएगा, हम बैठे रहें बाबा की याद में बैठे रहें, परंतु कर्म तो करना है ना। क्यों? कर्म धारा बगैर तो कोई रह ही नहीं सकता। कर्म इंद्रियां जिसको हैं, उसे कर्म तो को जरूर करना पड़े। सन्यासी अपन को कर्म सन्यासी समझते, हमने कर्म करना छोड़ दिया, धंधा करना छोड़ दिया, खाना बनाना छोड़ दिया, परंतु कर्म इंद्रियों से कर्म तो करते हैं ना। कान है तो सुनेंगे ना, नाक है तो श्वास लेगी ना, आंखें देखेंगी ना, तो बाबा कहते हैं तुम आत्म की स्थिति में रहो। तो बाबा की याद में बड़ा मजा आता है कि हम बाबा को बहुत याद करें। बस उठते बैठते घूमते फिरते बाबा को याद करते रहे। इसे मेहनत करने के लिए भी पेट तो चाहिए ना, है? बिना पेट के, पेट का पुरुषार्थ किए बगैर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ कर सकेंगे? तो बाबा कहते हैं देह अभिमान में भी रहना है, देही अभिमानी भी होना है। देही अभिमानी कोई नहीं है इस सृष्टि में, कोई देही अभिमानी नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। तुम बच्चे कौन? जो बाप के सन्मुख बैठते, जिन्होंने बाप को पहचाना है वो ही सन्मुख बैठते हैं। जिन्होंने नहीं पहचाना वो सन्मुख क्यों बैठेंगे? देही अभिमानी क्यों नहीं बने हैं? कोई भी अपन को आत्मा भले समझे,
तो फिर परमात्मा का परिचय नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी चाहिए। भले बाबा कहते हैं, समझते हैं कि बरोबर हम आत्मा हैं और ये शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, फिर भी क्या? फिर उनसे ये समझने से तो कोई विकर्ण विनाश नहीं होगा ना। ये तो बहुत ही मनुष्य समझते हैं क्या कि आत्मा अविनाशी है, और एक दो को कहते भी हैं भाई ये पुण्य आत्मा है, पाप आत्मा है, पवित्र आत्मा है। आत्मा के लिए ही तो सब कहते हैं, ये तो जानते हैं। तुम बच्चे भी ऐसे ही समझने से, सिर्फ यही समझने के बराबर ये दो चीजें हैं, मैं आत्मा और मेरा ये शरीर, ये तो कॉमन बात है, नई बात नहीं है। परंतु मूल बात है कि बाप क्या आकर के समझाते हैं, समझाते हैं कि बच्चे अब तुमको मुझे याद करना है। क्यों है? क्योंकि घर जाना है, आत्माओं के लोक में जाना है। अब ये ड्रामा तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, परंतु अभी शरीर निर्वाह के लिए देह अभिमान में तो आना है, जरूर आना है। क्योंकि देह को नहीं खिलाएंगे, नहीं पिलाएंगे तो ये देह सूख जाएगी, तो देह अभिमान में तो आना है। जरूर आना है, मना किस लिए देह अभिमान में आना है? शरीर निर्वाह के लिए, पेट का धंधा करने के लिए। परंतु बाबा कहते हैं कि देह के लिए खाना पीना भी पकाना है जरूर। देह बगैर तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। पर बाबा कहते हैं कि देह अभिमान होते हुए भी तुम देह ही अभिमानी बनो। देह तो है ना, देखते हैं। अभी हमको ये मालूम हुआ कि हम आत्मा हैं, ये देह है, और ये देह जो शरीर है वो हम जन्म बाई जन्म दूसरा लेते आए हैं, और फिर ये अपना शरीर निर्वाह करते आए हैं। अभी बाप कहते हैं देह बिगड़ तो कोई काम नहीं चल सकता, तो कहते हैं देह अभिमान में भी रहना है, देही अभिमानी भी रहना है। अभी देह अभिमान हो करके कर्म करते, फिर आत्मा से अपने मासू को भी याद करना है। तो तुमको मासू का तो पता नहीं है, ये क्या बात कर दी? मासू का पता नहीं है? है मुरली कब की है? 66 की। उस समय मासूक था, माँ का पार्ट था, बाप का पार्ट तो नहीं था। बाप जो सदा आत्मा अभिमानी है, इस सृष्टि में आता है, पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता है, तो भी आत्मा अभिमानी है।
तो तुमको उस मासूक का पता नहीं है। किसको? नहीं, ब्रह्मा बाबा के मुख से तो बोल ही रहे। जो सामने बैठे उनको कहा ना कि इमर्ज करके भी कोई को कहा है, इमर्ज करके भी कहा, और प्रैक्टिकल में जो उस समय सामने बैठे थे उनको भी कहा कि तुमको अभी मासूक का पता नहीं है। किसको भी मासूक का पता नहीं है कि मासूक यानी बाबा से हमको वर्षा मिलना है, और बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होगा। ये किसको भी याद नहीं है, बिल्कुल ही कोई भी नहीं है। ऐसे समझाते हैं, गीता में समझाते हैं कि भगवान बोल करके गया है, क्योंकि जो पास्ट हो गई है उसकी ये पुस्तक है गीता, तो तुमको बैठ करके सुनाते रहते हैं कि कृष्ण ने ये किया, महाभारत में वो हुआ, लड़ाई हुई, कृष्ण ने खुद बैठ करके गीता सुनाई, राजयोग सिखलाया। पर कब सिखलाया वो भी उनको मालूम नहीं है। गीता में लिखा तो है सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सर्वधर्म कौन से युग में होते हैं? कलयुग में सब धर्म होते हैं, परंतु वो क्या कहते हैं? गीता को सुनाने वाले क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने द्वापर में दिया, तो द्वापर में गीता ज्ञान दिया, द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध हुआ, तो क्या भगवान ने कलयुग लाया? कलयुग तो पापी युग है। भगवान आएगा तो नई दुनिया रचेगा या पाप की दुनिया रचेगा? तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? जैसे और धर्म पिताएं आए, दुनिया गिरती ही गई, ऐसे ही भगवान हो गया। तो वो अगर कोई कहे कि ये राजयोग सिखलाया, तो पीछे देखो कितने लाखों वर्ष की बात हो जाती है। तो ये नई बातें सुनाते हैं कि द्वापर युग में गीता नहीं सुनाई, गीता कलयुग के अंत में सुनाई, और गीता ज्ञान से सदगति करके सतयुगी नई दुनिया की रचना की। तुम्हारी बुद्धि में अभी नया नया रास्ता भी मिला कि अभी हम कैसे घर जाएंगे, फिर रास्ता मिला कि कैसे हम अपनी राजधानी में आएंगे। राजधानी कैसे प्राप्त करते हैं? सो तुम बच्चों को बाप बैठ करके समझाते हैं कि बच्चे और कोई भी तकलीफ नहीं करो, नहीं तो देखो भक्ति मार्ग की कितनी भारी पंचायत है। कैसे कैसे कर्मकांड की पंचायत है। अब यहां देखो कोई मरते हैं घर में, कितना हंगामा रहता है। ब्राह्मण खिलाओ, 12 दिन बत्ती जगाओ, फलाना करो, ये करो, वो करो, अर्थी को ले जाओ। अरे यहां भक्ति मार्ग का तो बहुत दंगा है,
यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई शरीर छोड़ेगा तो ये सब कर्मकांड करेंगे क्या? करेंगे नहीं करेंगे, दरकार ही नहीं। आत्मा चली गई, क्या रह गया? विनाशी शरीर रह गया, उसके लिए क्या कर्मकांड करना? तो आत्मा कहती है ये तो पुरानी चमड़ी है, अभी तुमको मालूम पड़ा ना, इस चमड़ी की मिट्टी को हम क्या करेंगे? ये तो कुछ भी काम की नहीं है, कहां जाकर के फेंकें? गंगा में मिट्टी आएगी, मिट्टी जाएगी गंगा में, आत्मा को क्या होगा? चाहे मिट्टी में शरीर जाए, चाहे पानी में नदी में शरीर जाए, चाहे आग में शरीर जलाया जाए, आत्मा को कुछ अंतर पड़ेगा? आत्मा को तो कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला। ये शरीर जो है ही मिट्टी का, पांच तत्वों से बना हुआ, वो तो उस आत्मा ने छोड़ दिया। अब इस मिट्टी को जाकर के कहां भी दफनाओ तो भी देखो, मिट्टी को जाकर के तीर्थों पर ले जाना, ये करना वो करना, कितना फालतू वेस्ट टाइम करते हैं, खर्चा करते हैं। फिर देखो कोई मरते हैं, कितना ब्राह्मण खिलाओ, फलाना करो, ये करो, देखो कितना विस्तार होता है। और यहाँ वो सारा भक्ति मार्ग का कर्मकांड विस्तार बंद हो जाता है, जरा भी नहीं रहता। शरीर का, इस पुरानी जूती का क्या मान रखेंगे? हाँ, आत्मा कहती है ना, हम ये जो पुरानी जूती ली है, ये पुरानी जूती का क्या मान रहता है कुछ? वो तो हम बिल्कुल तंग हो गए। बाबा ने कहा ये पुरानी जूती तुम क्या करेंगे? देखो ये बाबा भी कहते हैं हम पुरानी जूती, पुरानी शरीर को क्या करेंगे? तो देखो वो फेंक देते हैं, तुमने देखे नहीं है, नहीं तो यहाँ भी बहुत निकलती है, मिलती है बहुत। तो ये बच्चों को बाप बैठ करके समझाते हैं कि शरीर कोई काम का नहीं, ये तो यहाँ जलाए देते हैं, कचरे को रखना नहीं होता है, शमशान में जलाए देते हैं, वो शमशान से कचरा उठाकर नदी होती है वहां जाकर के फेंक देते हैं। अभी यहां से कचरा कोई मरता है उठा करके झट डाल देते हैं, ऐसे नहीं कि कोई घाट खास है जिसमें जलाते डालते हैं। वाह, घाट खास है या नहीं है? यहाँ कोई घाट है, शमशान घाट जहाँ जलाते हैं है? नहीं है, देह अभिमान को जलाया नहीं जाता तो घाट हुआ ना। तो ये खास घाट है, उस घाट में अगर हम जाकर के डालें
भक्ति मार्ग वाले घाट में, तो उनका स्नान खराब हो जावे। तो यहां घाट है ज्ञान स्नान करने का, काहे में यहां मैंने माउंट आबू की बात बताई, यहां घाट है ज्ञान स्नान करने का नक्की लेक में। यहां वो तीर्थ यात्री आते हैं ना, तो वो एक मंदिर के आगे घाट है, वहां जाकर के स्नान करते हैं और यहीं डाल देते हैं बाजू में, क्योंकि समझ आ गई अब हम क्या करेंगे इस पुराने शरीर को। इसलिए बाप कहते हैं ये देह का अभिमान छोड़ दो, तोड़ दो। तुम जानते हो कि अभी आत्मा का ये 84 जन्म, क्योंकि 84 जन्मों की बात तुमको बैठ करके समझाते हैं। जो भी तुम 84 जन्म वाले हो यहां, वो सभी यहां आते हैं। कहां आते हैं? हैं? हाँ जी आते हैं। एडवांस पार्टी में जो आ गए वो कहां वहां जाते हैं? हाँ, जिनको ये समझाया जाता है अभी 84 जन्म तुम्हारा पूरा हुआ ना, 1966 की वाणी का 3rd पेज। अगर कोई कहे कि हमारा 84 जन्म न हो, तो ये संशय क्यों उठाना चाहिए? क्या कि कहीं हमारा 84 जन्म न हुआ तो उठाना चाहिए संशय या नहीं उठाना चाहिए? अगर कोई ने उठाया तो बताना चाहिए 84 जन्म लेना अच्छाई है या बुरा है? ऑलराउंड पार्ट बजाना अच्छा है या बुरा है? अच्छा ही है। तुमको तो बुद्धि है, शुभ बोलना चाहिए ना। तो वो बोलेगा क्या सबका 84 जन्म होगा? अरे सारी दुनिया का 84 जन्म कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता कि 100% आत्मा बनने का पुरुषार्थ सब करते हैं, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई का कम पुरुषार्थ होगा, कोई का जास्ती पुरुषार्थ होगा। जो संपूर्ण आत्मा बनेगा तो कितने कला संपूर्ण बनेगा? 16 कला संपूर्ण बनेगा। 16 कला संपूर्ण बनेगा तो 84 जन्म मिलेगा। कम कला संपूर्ण बनेगा तो कम जन्म मिलेगा। तो 84 जन्म तो उनको ही मिलेंगे जो पहले पहले सूर्यवंश में आया हुआ है। पहले पहले माने है? एक तो सतयुग का पहले पहले, जहां पहले पत्ता श्री कृष्ण का जन्म होता है, और फिर संगम युग में भी सतयुग की आदि होती है। तो संगम युग में जो सतयुग का आदि है
उसमें जो आते हैं वो पक्के सूर्यवंशी। अब सतयुग के आदि में आते हैं वो सूर्यवंशी नहीं होते हैं, वो भी तो ज्ञान सूर्यवंशी हैं, तो उनके भी 84 जन्म, और संगम में आते हैं उनके भी 84 जन्म। तो पहले पहले जो नई दुनिया में आया है वो सूर्यवंशी। तो बच्चे हम इस बात की तसल्ली तो करते हैं ना, क्या क्या तसल्ली करते हैं कि हम हैं ऊंचे ते ऊंचे कुल वाले। सूर्य ऊंचे ते ऊंचे है या नीचे है? और सब ग्रह उपग्रह नीचे हैं, सूर्य उनसे बहुत ऊंचा है, तो हम ऊंचे कुल के हैं। जो भी बच्चे होते हैं अभी, बच्चों की बात हो गई ना, तो जब बाप नया बनाते हैं तो बच्चे तो कहेंगे नए में फट जल्दी जल्दी जा कर के उनमें जाकर बैठने की दिल होती है क्या नए में है? क्या नए में जाकर के दिल होती है बच्चों की? बाप जो नया मकान बनाते हैं बच्चों की क्या दिल होती है कि हम पहले नए मकान में जावे? तो उसको नया कहा जाता है। तो अभी बाप ने समझाया है कि तुमको नया रास्ता मिलता है। देखो गीत में है ना नया रास्ता, बिल्कुल नया रास्ता, और दुनिया में कोई ये रास्ता जानते ही नहीं है। जहां भी जाओ इस दुनिया में मत्था फूटेगा, भले यज्ञ करो मत्था फूटा, जप करो मत्था फूटा, यानी सीढ़ी उतरते रहना होता है। सीढ़ी उतरने में कोई फायदा तो होता नहीं है, मजा आता है कि नहीं? अरे बच्चे पार्क में जाते हैं, सीढ़ी होती है ऊपर चढ़ते हैं, फिर वहां से आराम से नीचे सरकते जाते हैं, तो फायदा होता है, मजा होता है? मजा होता है, फायदा तो कुछ होता नहीं। तो बाबा कहते हैं कुछ भी करो, कितना भी करो भक्ति मार्ग में, कभी भी कोई सदगति नहीं पा सकते। कैसी गति? सत, सच्ची गति। सच्ची गति क्या होती है? है सदाकाल की सच्ची गति क्या होती है? आत्मा भी सत्य बने, सतो प्रधान बने, और शरीर भी सतो प्रधान बने। तो भक्ति मार्ग में शरीर है और ही बीमार दीमार दुखी रोगी परेशान होते जाते हैं शरीर से, या सुखी होते जाते हैं? बीमारियां दुनिया में बढ़ती जाती हैं या घटती जाती हैं? 2000 वर्ष की हिस्ट्री देख लो, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, दवाइयां बढ़ रही हैं। तो सदगति तो कोई भक्ति मार्ग में नहीं पा सकते, अर्थात न है शांति धाम में, यानी इस दुनिया में उस दुनिया में जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी तो दुनिया है ना। कौन सी है? कौन सी दुनिया है? वो भी सत्युग त्रेता भी दुनिया है। कोई भी घर में नहीं जा सकते हैं, सुखधाम नहीं जा सकते हैं,
घर और सुखधाम उसको कहा जाता है मुक्ति और जीवन मुक्ति। कोई भी मनुष्य सिवाय बाप के कभी भी नहीं जा सकते हैं। क्यों? दुनिया में और जो मनुष्य हैं 500-700 करोड़, वो अपने बाप को नहीं मानते हैं? धर्मपिता को मानते हैं ना, तो वो बाप है ना। लेकिन वो मुक्ति धाम दुखों से मुक्ति कर दे वो नहीं कर सकते, सुखधाम नहीं ले जा सकते सिवाय इसे बेहद के बाप के। अच्छा, अभी ये भी तो समझना चाहिए, बुद्धि से समझना चाहिए ना। बुद्धि तो मनुष्यों को ही है ना, जानवरों को बुद्धि होती है? हैं? जानवरों को तो बुद्धि नहीं होती है। तो जो शास्त्रों में लिख दिया है ना, सतयुग है लाखों वर्ष, तो मनुष्यों की बुद्धि चलती ही नहीं है, विचार भी नहीं करते हैं सतयुग का। अभी तुमको तो विचार करना है, तुमको क्यों विचार करना है? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा है ये दुनिया की आयु कितनी है, 5000 वर्ष। तो भले कल की बात है, आज क्या कल की बात है, तुम समझो कि बरोबर हम यहाँ भारत में कितने सुखी थे। हम तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे और बस, हमारे जैसा सुख तो दुनिया में और कोई धर्म वालों को नहीं मिलता। बाप कहते हैं ना, ये जो देवी देवता धर्म है ये बहुत सुख देने वाला है। कितना जास्ती सुख देने वाला है, और धर्मों में तो आधा सुख और आधा सुख आधा दुख है, और जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं उनको हाँ 3/4 सुख इस दुनिया में और 1/4 दुख है। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना, बरोबर भारत जैसा सुखी और कोई भी धर्म वाला देख ही नहीं सकता। देखो, तुम अभी जानते हो ना कि स्वर्ग क्या है, है? क्या है स्वर्ग और नरक क्या है, है? स्वर्ग बाबा ने आकर बनाया है, नरक स्वर्ग है स्वस्थिति में सदैव रहने वाले के द्वारा बनाया हुआ, और नरक है नर अर्थात मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ। तो देखो, स्वर्ग जिसे नई दुनिया कहते हैं उसमें क्या है? हीरे जवाहरातों के महल हैं, ऐसे होगा? है हीरे जवाहरातों के महल होंगे वहां, है? क्या होगा? हीरे जैसी आत्माएं है, पन्ना जैसी आत्माएं, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका वहां संगठन रूपी महल होगा। क्या जब ये इस्लामी आते हैं तो वो इस्लामी ये दुनिया देखेंगे? नई दुनिया
वो भी ब्रह्म में निवास करते हैं, हम भी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। अंतर क्या है? वो नहीं आते और हम आते हैं, है? वो आत्माएं भी ब्रह्मलोक में बाप के घर में निवास करती है और हम आत्माएं भी बाप के घर में ब्रह्मलोक में निवास करती है। वो क्यों नहीं आते? हाँ, वो क्यों नहीं आते? बाप के घर में वो भी रहते हैं। हाँ, पूरी पढ़ाई ना पढ़ने के कारण वो आत्माएं नीची स्टेज में हैं परमधाम में, और हम आत्माएं ऊंची स्टेज पाती हैं। तो देखो, वो कोई भी धर्म वाले स्वर्ग में नहीं आते। जब इस्लामी तो फिर बौद्ध भी नहीं कर सकते, क्रिश्चियन भी नहीं कर सकते हैं, तो है ना। बाप समझाते हैं, मीठे लाडले बच्चों, तुम जो फिर देवी देवता बनते हो, तुम्हारे जैसा सुख और कोई भी नहीं ले सकता है। ये दुनिया में आर्टिफिशियल सुख कोई कितना भी बनावे, कितना भी कोई महल बनावे, कितना भी सुख के लिए प्रयत्न करे और कितना भी धन खर्च करे, फिर भी सुख जो स्वर्ग में है वो कभी किसको नहीं मिल सकता। बनाते हैं ना, बड़े बड़े महल बनाते हैं सुख के लिए, क्या सुखी हुए है उस महल में? उनकी राजाई सदा के लिए चली नहीं चली? कोई कोई ने आक्रमण कर दिया, राजाई सब चली गई। तो यहां कोई कितना भी सुखी रहते हैं, परंतु फिर भी स्वर्ग जैसे सुखी रह न सके। कोई न कोई वक्त में बीमार तो हो ही जाएंगे। अगर हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, फलाना नहीं होगा, क्योंकि दुख का ही समय। तो बच्चे, तुम जानते हो अच्छी तरह से, बाप देखो ये गीत में कितना अच्छा लिया, अब हे आत्मा अभी तुम जाग जाओ। तुम बच्चों को अभी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है, उसको ही जागृत कहा जाता है। तुम बच्चों में कितनी जागृति आई है, तुम आत्माएं जीवात्माएं कहेंगे, फिर भी हो तो मनुष्य ना, और वो भी मनुष्य हैं। तो अभी तुम मनुष्यों में और उन मनुष्यों में कितना फर्क हो गया? किन मनुष्यों में? जो और धर्म वाले हैं उनमें और तुम्हारे में कितना फर्क हो गया? फर्क है या नहीं है? बहुत फर्क हो गया। तुम सारे इस दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ जानते हो, तो तुम बच्चे तो जानी जाना हार हो गए। जानी जाना का अर्थ बाप ने समझाया, ऐसे नहीं है कि सबके दिलों को बैठ करके जानते हो, या बाप सबके दिलों को बैठ करके जानता है। देखो ना, वहां दिलों को जानता है, कहां? परमधाम में। ना यहां मुझे दिलों को जानने की, एक एक बच्चे की दिल को नहीं जानता हूं। या तो हम जानते हैं कि कौन बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते हैं, सो भी अभी अब अगर मैं न जानूं
क्योंकि मुझे क्या दरकार पड़ी है एक एक के दिल को जानने की, मैं तो बच्चों को सिखलाता हूँ, आत्मा को सिखलाता हूँ। अभी आत्मा को अपना पुरुषार्थ करना है, ऐसे आत्मा को नहीं समझना चाहिए कि बाबा कहते हैं, मैं आत्मा कहाँ तक ये बाप को याद करूंगा। आत्मा जहां तक पवित्र रहती है, मुझे बैठकर थोड़े ही कुछ ख्याल करना होता है कि कोई कहां तक पवित्र रहता है, मैं क्यों ख्याल करूं कि कोई कितना पवित्र रहता है। वाह, इतने हजारों को बैठ करके मैं यही ख्याल करूंगा? नहीं, मैं क्या करता हूं, मैं तो रास्ता बताता हूं। जो जो मेरे बताए रास्ते पर पुरुषार्थ करेंगे वो अपना ऊंच पद पाएंगे। चाहिए देखे उनको या वो ना देखे, देखने की तो कोई चीज है ना। ये तो हुआ आत्मा को बाप को याद करना और आत्मा को इस षष्ठ चक्र को दिल में रखना। उसमें भी बाबा कहते हैं, मैं बहुत सहज समझाता हूं, सिर्फ इतना ही याद करो, अपन को आत्मा जरूर समझो। ये जो देह अभिमान था उसने तुम्हारी ये खेल में ड्रामा के अनुसार देह अभिमान के कारण तुम्हारी ये दुर्गति हो गई। इस बात से दुर्गति हुई है, देह की स्मृति, अपन को देह समझ लिया। तुम कौन हो? कहेगा हम डॉक्टर हैं। तुम कौन हो? कहेंगे हम राजा हैं। तुम कौन हो? कहेंगे हम भिखारी हैं। तो ये कौन सा अभिमान है? हिसाब देह अभिमान होना चाहिए। मैं आत्मा हूं जो जन्म बाई जन्म अनेक प्रकार के पार्ट बजाती आई हूं देह धारण करके। तो तुम समझते हो कि देह अभिमान से दुर्गति हुई है? देह ही अभिमानी बनने से सदगति होगी, क्योंकि देह ही अभिमानी बन हम बाबा को याद करते हैं, और बाबा को हम याद करें, दिल तो होती है कि रात दिन याद करें, परंतु क्या करें है, क्या अड़चन है, है? हिसाब किताब कैसे आ जाएगी? अड़चन आती है शरीर निर्वाह की। शरीर निर्वाह कैसे चलाएंगे? ऐसे तो नहीं है कि शरीर निर्वाह छोड़, घर घाट छोड़, हम जंगल में चले जावे, सब कुछ छोड़ जावे। और फिर बाबा भी तो ये नहीं कहते हैं, बोलता है नहीं, तुमको रहना भी अपने घर में है, घर गृहस्थ में रहना है। सिर्फ एक होती है पवित्रता की बात, सो तो सभी अच्छी तरह से जानते हैं। चित्र को भी दिखलाते हैं कि कमल फूल के समान रहना है। देखो, इस कमल फूल के समान रहने का तो अर्थ बच्चों ने समझा हुआ है ना, सुदर्शन चक्रधारी को देखो, देखो शंख भी है, सुदर्शन चक्र भी है। कोई कोई देवताओं को तो शंख भी नहीं है, चक्र भी नहीं है। तुम ब्राह्मणों को शंख है बजाने का,
क्या बजाने का है? शंख किसको कहा जाता है? हाँ वो तो ठीक है, विष्णु के चारों आयुध हैं, शंख चक्र गदा पद्म सब ज्ञान के ही हैं, फिर अंतर क्या है? कुछ अंतर है? शंख मुख को कहा जाता है, शंख में हवा डालते हैं तो आवाज निकलता है, ज्ञान की आवाज कैसे निकलेगी? अरे कान से निकलती है, नाक से निकलती है, मुख से ही निकलती है। तो जब तुम ज्ञान किसी को सुनाते हो तो अंदर से साथ में आवाज के साथ हवा भी निकलती है, तो शंख हुआ ना। तो देखो इस शंख का भी तो नाम है ना, वो जो खालिस लोग होते हैं ना सिख धर्म में, वो शंख बजाते हैं। वो भी तो बहुत है ना, जब कुंभ का मेला लगता है तो ये शंख बजाने के भी औजार बहुत हैं। देखो तुम भी शंख बजाते हो, जब ये ज्ञान देते हैं तो शंख बजाते हो ना। बड़ा बड़ा शंख लगाए देते, क्या कहते होंगे तुम लोग? बड़ा बड़ा शंख लगाते हैं तो तुम लोग क्या कह देते हैं उसको? कोई ने कहा लाउड स्पीकर। हाँ लाउड स्पीकर, यहाँ तो तुमको कोई लाउड स्पीकर वगैरह लगाने की दरकार नहीं है। कभी मनुष्यों को जब टीचर बैठ करके पढ़ाते हैं तो लाउड स्पीकर लगाते हैं क्या? है नहीं लगाते? ऐसे लाउड स्पीकर से कोई कब बात पढ़ाने लिखाने की होती नहीं है। अगर लाउड स्पीकर भी हो सो भी पीछे पिछाड़ी में, जबकि तुम उनको बताओ सब लोग सुनो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म सब विनाश हो जाएगा। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, ये कृष्ण कोई सर्वशक्तिवान नहीं है। देखो कोई वक्त आएगा, तुम जाते हो ना, बहुत बहुत होते हैं तो हो सकता है तुमको ये भी काम में ले आना पड़े, क्या? लाउड स्पीकर। वो जो लगाते हैं वहां सुनने के लिए, बहुत दूर दूर सुनने में आवे तो आगे चल करके वो भी काम में आवेगा। फिर उसमें बहुत तो नहीं सुनना है ना, बस सुनाना नहीं है बहुत, यही सुहाना है कि अभी मौत सामने आया हुआ है, अभी वो शांति धाम में सबको वापस जाना है, क्योंकि ये महाभारत की लड़ाई है और इसमें विनाश जरूर होना है। देखो बरोबर विनाश हुआ है ना, तुम बुद्धि से काम लो। गीता में जब महाभारत की लड़ाई लगी तो विनाश हुआ ना, इतना विनाश हुआ अरे कोई भी नहीं रहा, बाकी चार पांडव
वो भी जाकर के जल मरे। कुछ हुआ? तो ये तो समझ की बात है कि बरोबर जब महाभारत की लड़ाई लगी थी और तो कोई की लड़ाई के लिए नहीं कहा जाता है कि भाई चार गए बाकी कुछ नहीं रहा। ये है तो सही ना, लड़ाई ऐसी जिसमें विनाश हो। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, अगर टोटल विनाश हो तो फिर ये सब खंड खाली हो जावे। खाली खंड तो ये खाली खंड तो होते नहीं है, कभी भी नहीं। इस भारत खंड को तो अविनाशी खंड कहते हैं। क्यों अविनाशी कहते हैं? है इसलिए अविनाशी खंड कहते हैं कि इसमें बाप आते हैं। जैसे बाप को अविनाशी कहते हैं, आत्मा को अविनाशी कहते हैं। सभी आत्माएं हैं, सबको अविनाशी कहें? कहें क्यों? सबकी आत्माएं अविनाशी नहीं है? आत्मा तो सबकी अविनाशी है। फिर हाँ, आत्माओं में भी एक आत्मा है जिसका अविनाशी पार्ट है इस सृष्टि पर। क्या सतयुग में इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का पार्ट है? हैं? नहीं है। तो सतयुग त्रेता में उनकी आत्मा को क्या कहेंगे? हैं? सतयुग त्रेता में उनकी आत्मा का पार्ट ही नहीं है तो क्या कहेंगे? उनकी आत्मा विनाशी या अविनाशी? हैं? हाँ, पार्ट ही नहीं है। तो इस भारत खंड को अविनाशी कहते हैं। तुम जानते हो कि बरोबर जब ये हमारा स्वराज्य था तब ऐसे कहेंगे। पहले पहले जब हम भारतवासी सूर्यवंशी थे, जब सूर्यवंशी थे तब चंद्रवंशी भी नहीं थे। ऐसा कौन सा टाइम होता है? हैं? कि सूर्यवंशी होते हैं तो चंद्रवंशी होते ही नहीं। अरे संगम युग में ऐसी राजधानी स्थापन होती है कि नहीं? वहां सब सूर्यवंशी, कोई भी चंद्रवंशी नहीं। तो वहाँ इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन जो पीछे आते हैं, त्रेता के पीछे आते हैं। हाँ, त्रेता में होते हैं चंद्रवंशी। ओम शांति।